हेलो नमस्ते, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञान घर चैनल पर। आज हम एग्रोनॉमी का भाग चार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं एग्रोनॉमी का भाग चार। जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा किसके नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है? जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस या गाजर घास के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। दलहनी फसलों में बीजोपचार किसके द्वारा किया जाता है? दलहनी फसलों में बीजोपचार राइजोबियम द्वारा किया जाता है। राइजोबियम टीजेड परीक्षण या टेट्राजोलियम टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? टीजेड परीक्षण बीज की जीवन शक्ति का पता लगाने के लिए किया जाता है। बीज की जीवन शक्ति। सूरजमुखी के तेल का कसैलेपन का क्या कारण है? सूरजमुखी में तेल के कसैले पन का कारण ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम हेलियंथस एनस। फैमिली कंपोजिटी ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका। टूवे नंबर 34। मटर की पाउडरी प्रतिरोधक कौन सी जाति है? मटर की रचना पाउडरी प्रतिरोधक जाति है। मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सटाइवा। फैमिली लेगुमिनेसी ओरिजिन मेडिटेरेनियन रीजन। टूवे नंबर 14। सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा 20-25% पाई जाती है। सोयाबीन का वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। फैमिली फबेसी। टूवे नंबर 40। कौन सी फसल प्रकाश संवेदनहीन है? धान प्रकाश संवेदनहीन फसल है। धान। धान का वनस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा। फैमिली ग्रेमनी ओरिजिन इंडो बर्मा रीजन। आर्जिमोन मेक्सिकाना या सत्यानासी यह मुख्यतः किस ऋतु की खरपतवार है? सत्यानासी रबी ऋतु की खरपतवार है। रबी। उकटा रोग किस फसल में लगता है? उकटा रोग मुख्यतः चना में लगता है। चना। चना का वानस्पतिक नाम साइसर एराइटिनम। फैमिली लेगुमिनेसी ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया। ट्वेन इंडियन जातियों में 14। काबुली चने में 16 या 24। इनमें से कौन सा एक संपर्क खरपतवार नाशी है? ग्रेमाजोन एक संपर्क खरपतवार नाशी है। ग्रेमाजोन। सूरजमुखी इनमें से किस प्रकार का प्लांट है? सूरजमुखी थर्मोफोटो इंसेंसिटिव प्लांट है। सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम हेलियंथस एनस। फैमिली कंपोजिटी नेटिव सेंट्रल अमेरिका। टूवे नंबर 34। इनमें से किसके द्वारा टिकाऊ खेती प्राप्त की जा सकती है? टिकाऊ खेती अधिक तकनीकी सहायता से प्राप्त की जा सकती है। वीड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वीड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेथ्रो टुल ने किया था। जेथ्रो टुल। सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग में लाया जाता है? सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु लासो प्रयोग किया जाता है। लासो। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। फैमिली फबेसी। टूवे नंबर 40। खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश। इनमें से किस फसल में BOAA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? BOAA न्यूरोटॉक्सिन खेसारी में पाया जाता है। खेसारी या लेथाइलस। लेथाइरस। इसका जो वानस्पतिक नाम है लेथाइरस सटाइवस। फैमिली लेगुमिनेसी। टूवे नंबर 14। इनमें से कौन सी फसल स्त्री पूर्वता प्रकृति की है? बाजरा स्त्री पूर्वता प्रकृति की है। बाजरा। बाजरा का वानस्पतिक नाम पेनिसेटम टाइफोइड्स है। फैमिली ग्रेमनी ओरिजिन अफ्रीका।
धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होती है? धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी 3 मीटर होती है, 3 मीटर। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा, फैमिली ग्रेमनी, ओरिजिन इंडो बर्मा। खड़ी फसल में कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को क्या कहते हैं? खड़ी फसल में कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को बोने को रिले क्रॉपिंग कहते हैं, रिले क्रॉपिंग। हाइब्रिड पैडी या संकर धान की खेती सर्वाधिक किस देश में प्रचलित है? हाइब्रिड पैडी की खेती सर्वाधिक चीन में प्रचलित है, चीन में। धान का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा, फैमिली ग्रेमनी, नेटिव इंडो बर्मा। तिल की फाइलोडी बीमारी किसके द्वारा होती है? तिल की फाइलोडी बीमारी माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा। तिल का वानस्पतिक नाम सीसमम इंडिकम, फैमिली पिडाइलिएसी, ओरिजिन साउथ वेस्ट अफ्रीका। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक या इक्रीसैट कहाँ स्थित है? इक्रीसैट हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? गेहूं की सिंचाई हेतु क्यारी विधि उपयुक्त होती है, क्यारी विधि। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम आयस्टिवम, फैमिली ग्रेमनी, नेटिव साउथ वेस्ट एशिया। सूरजमुखी का तेल अच्छे गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सूरजमुखी का तेल अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें असंतृप्त वसी अम्ल की अधिक मात्रा होती है। मक्का के पौधे की ऊपरी पत्तियों के मध्य सिराओं पर अनियमित विकृत धब्बे कौन से पोषक तत्व की कमी दर्शाते हैं? मक्का के पौधे की ऊपरी पत्तियों के मध्य सिराओं पर अनियमित विकृत धब्बे मैग्नीज तत्व की कमी दर्शाते हैं, मैग्नीज। मक्का का वानस्पतिक नाम जियामेज, फैमिली ग्रेमनी, नेटिव मैक्सिको। 2N नंबर 20। इसी के साथ एग्रोनॉमी का भाग 4 समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।